हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्रिएशन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जोकर डेकोरेशन आइडियाज़ के बारे में है, जोकर वॉल हैंगिंग आइडियाज़ के बारे में है, क्लाउन डेकोरेशन आइडियाज़ के बारे में है, वॉल हैंगिंग आइडियाज़ के बारे में है कि आप अपने स्कूल को कैसे डेकोर कर सकते हैं, किस टाइप की वॉल हैंगिंग कर सकते हैं और जोकर जो बहुत ही खूबसूरत जोकर की थीम है, जोकर को कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको वॉल पे डेकोर करके अपने स्कूल को बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी आइडिया स्किप ना हो। बहुत ही खूबसूरत जोकर डेकोरेशन आइडियाज़ लेके आई हूँ, डिफरेंट कलेक्शन है कि आप अपने स्कूल में किस टाइप की बच्चों से जोकर की एक्टिविटी करवा सकते हैं, किस टाइप से आप जोकर बना सकते हैं, कौन सी इफेक्टिव लुक है, बच्चों को कैसे जोकर का कंसेप्ट देख सकते हैं, वॉल्स को कैसे खूबसूरत तरीके से डेकोर कर सकते हैं किसी भी इवेंट पे, किसी भी फंक्शन के लिए। तो बहुत ही आसान और सिंपल आइडियाज़ हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सिंपली इसमें चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया गया है, कलर्ड पेपर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ आपको कि सिंपली इन चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही ईजी तरीके से हम इनको बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ हैं जोकर के, जो आइडियाज़ मैं आपके लेके आई हूँ अपने स्कूल में। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे फिंगर थंब प्रिंटिंग से जोकर बना दिया गया है। अगर बच्चों को वेलकम करना है न्यू सेशन में या वेलकम बैक टू करना है तो आप इस तरीके से जोकर बना के वेलकम का साइन शो करवा सकते हैं साथ, या इस तरह से ग्लोब बना के जोकर का साइन साथ, जोकर का फेस आप बना सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और इफेक्टिव नज़र आता है, लुक देता है। इसके अलावा डिस्पोजेबल प्लेट से आप जोकर की एक्टिविटी स्टूडेंट्स में करवा सकते हैं। सिंपली आप पेपर का इस्तेमाल करके आप जोकर बना सकते हैं, बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से वॉल हैंगिंग करवाई गई है जो कि बहुत ही इफेक्टिव और खूबसूरत लग रही है जो जोकर की है। इस तरीके से आप अपने स्कूल को डेकोर कर सकते हैं जो कि ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। आप बच्चों को वेलकम कर रहे हैं, डोर को आप इस तरीके से डेकोर कर सकते हैं जोकर थीम के साथ साथ, जोकर टाई के साथ अपने थीम बोर्ड को इस तरीके से बना सकते हैं साथ। इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोटेशन ऐड कर सकते हैं जोकर के हवाले से, या डिफरेंट आप कोई भी सब्जेक्ट अपने उसके अकॉर्डिंग आप इसके साथ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वॉल पे इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्रे पेपर का इस्तेमाल किया गया है जो वॉल हैंगिंग के तौर पर यूज़ किया गया है। आप इस तरीके से थीम बोर्ड बना सकते हैं, फोटो फ्रेम बना सकते हैं, बच्चों से एक्टिविटीज़ करवा के एग्जीबिशन बना उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पर डिस्पोजेबल प्लेट से और हैंड प्रिंटिंग से जोकर बनाया गया है जो कि बहुत इफेक्टिव और अमेजिंग लुक दे रहा है। और आप इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं कि मोस्टली जो जोकर बनाया गया है उसमें डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया, डिस्पोजेबल ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। आप इन तरीकों इन चीज़ों से रिसाइकल करके जोकर को बना सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देखते हैं डोर की डेकोरेशन की गई है जिसमें हैंड प्रिंटिंग से पूरा एक जोकर बना दिया गया है और जो कि बहुत इफेक्टिव नज़र आता है। इसके अलावा अगर आपने जूनियर क्लासेस में वॉल हैंगिंग करनी है तो उसके लिए जोकर का आइडिया बहुत बेस्ट है। आप सारे वॉल्स को में जोकर्स को हैंग करवा सकते हैं, डोर्स पे जोकर को हैंग करवा सकते हैं। इसके अलावा आप डोर को डेकोर करना है तो उसमें जोकर डिस्प्ले करवा सकते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव होता है। हमने अपने स्कूल में जूनियर क्लासेस में डोर पे जो डेकोरेशन किया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जोकर की को डिस्प्ले करवा दिया गया है। बहुत इफेक्टिव अमेजिंग आइडिया, म्यूज़िक आपको पसंद आए होंगे।